कल है और जल ही जीवन है। एक बार आप भूखे रह सकते हो कई दिन तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि पानी आपको नहीं मिला तो आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जल का जो फॉर्मूला है वो है H2O, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। और ब्रेन को यदि 3 मिनट 18 सेकंड के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और ऑक्सीजन वो कहाँ से मिलेगी, या तो ब्लड से मिलती है ऑक्सीजन, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन, या पानी। अब शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो क्या लगाते हैं डॉक्टर, ड्रिप, ड्रिप लगाते हैं, उस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ड्रिप लगाते हैं। आज आप देख रहे हो कि हम किसान लोग कौन सी फसल को उगा रहे हैं। पहले आपको पता है कि जो चावल की फसल थी वो कहाँ उगाई जाती थी, जहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा होती थी। लेकिन आज हम हर जगह जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर भी हम चावल को उगा रहे हैं, जिससे जमीन के अंदर पानी नहीं रहा है। और जो भी जमीन में 200, 300, 400 फुट तक पानी मिलता है वो पॉल्यूटेड मिलता है, पीने लायक नहीं होता। फिर भी आप कौन सा पानी पी रहे हो, बिस्लरी का। आप 20 रुपये लीटर का पानी पी रहे हो, खरीद करते हो। आप मान के चलो कि 20,000 रुपये कमाते हो तो उसमें से कितना पानी पर खर्च करोगे, और कितना बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करोगे, कितना दवाई गोली पर खर्च करोगे। इसलिए आपको ये ध्यान देना चाहिए कि पानी को बचाना है, पानी को बर्बाद नहीं करना। यदि हम पानी को ऐसे ही बर्बाद करते हैं तो कल को विश्व युद्ध पानी पर होगा, किसी पर नहीं होगा। छटपटाएंगे पानी पीने के लिए, एक दूसरे को मारेंगे, कुएं जो थे हटा दिए, कुएं खत्म कर दिए, पोखर खत्म कर दी, बावड़ी खत्म कर दी, तालाब खत्म कर दिए अपने स्वार्थ में हमने, जहां से हमें प्रकृति का सौंदर्यकरण मिलता था वो सब कुछ हमने खत्म कर दिया। अब जितनी नदी नाली रह गई है, जमुना भी सूख चुकी है, गंगा का पानी स्तर कम हो चुका है, कहाँ से पानी आएगा। अब जो पानी आता है वो एक साथ आता है, और वो एक साथ कैसा आता है, सुनामी आ गई, या केरल उसके अंदर अभी पानी आया था, पता है ना। तो ऐसा पानी क्यों आता है, क्योंकि धर्म की हानि हो चुकी है, अधर्मी हो चुके हैं, प्रकृति का ध्यान हम लोग नहीं कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, जंगलों को उजाड़ रहे हैं, और सब कुछ जो है जितना भी दूषित है वो सब पृथ्वी में।